हम संकल्प के साथ तो बढ़ तो रहे हैं, बहुत आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि कुछ लोग होते हैं जो प्रगति देख नहीं सकते, कुछ लोग होते हैं जो भारत का भला सोच नहीं सकते हैं। जब तक खुद का भला न हो तब तक उनको किसी का भला अच्छा नहीं लगता है। ऐसी विकृत मानसिकता से भरे हुए लोगों की कमी नहीं होती है। देश को ऐसे लोगों से बचना होगा। वे निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग हैं। ऐसे मुट्ठी भर निराशा की गर्त में डूबे हुए लोग जब उनके गोद में विकृति पलती है तब वो विनाश का कारण बन जाती है, सर्वनाश का कारण बन जाती है, एनार्की का मार्ग ले लेती है और तब देश को इतनी बड़ी हानि हो जाती है जिसकी भरपाई करने में हमें नए सिरे से मेहनत करनी पड़ती है। इसलिए ऐसे जो छुटपुट निराशावादी तत्व होते हैं वो सिर्फ निराश है इतना नहीं है, उनकी गोद में विकृति पल रही है। ये विकृति विनाश के सर्वनाश के सपने देख रही है, ताने बाने जोड़ने की प्रयासों में लगी हुई है। देश को इसे समझना होगा। लेकिन मैं देशवासियों को कहना चाहता हूं कि हम हमारी नेक नीयत से, हमारी ईमानदारी से, राष्ट्र के प्रति हमारे समर्पण से हम सारी परिस्थितियों के बावजूद भी विपरीत मार्ग पर जाने वालों के लिए भी उनके भी दिल जीत करके हम देश को आगे बढ़ने के हमारे संकल्प में कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। ये मैं विश्वास दिला चाहता हूं।